नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा कम्युनिकेशन का शेयर आज के दिन लगभग 7% गिरकर क्यों बंद हुआ। निफ्टी आज के दिन एक नया हाई अगेन बनाने में कामयाब हुए है दोस्तों, और उस टाइम में टाटा कम्युनिकेशन का शेयर गिरा। इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आपने नाम सुना होगा VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये और टाटा कम्युनिकेशन का रिलेशन क्या है आप सोचोगे, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL यानी आज के डेट में टाटा कम्युनिकेशन है दोस्तों। और ये वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये शेयर आज के दिन क्यों गिरा दोस्तों। एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा स्टॉक अचानक गिरने का पीछे का रीज़न क्या है। तो आज के दिन इसके Q3 के रिजल्ट अनाउंसमेंट भी हुआ था, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था दोस्तों। और दूसरी एक बात है गवर्नमेंट का जो एग्जिट स्ट्रेटजी है, तो उसका प्राइवेटाइजेशन का इस कंपनी के साथ क्या रिलेशन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर है, उसका लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सिटी फिलअप करना है और क्लिक करना। आपको मोबाइल नंबर डालते से OTP आएगा, OTP यहाँ पे एंटर करके आगे प्रोसेस करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज है लाइफ टाइम डिलीवरी पे, और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इंट्राडे में, और एप एंड ट्रेड के लिए ब्रोकरेज लगेगा दोस्तों। फर्स्ट 1 मंथ ब्रोकरेज फ्री है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। साथ ही में फर्स्ट ईयर AMC भी फ्री है और कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, टाटा कम्युनिकेशन ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग 26.12% का स्टेक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका टारगेट है 2.1 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट FY 2021 में। इसलिए गवर्नमेंट अपना प्राइवेटाइजेशन का ड्राइव को आगे बढ़ा रही है, और उसमें BPCL का नाम है, BPCL को बेचना चाहती है। BPCL जो कंपनी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के देना दे सकती है। BSNL का टारगेट है, रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन करना है, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हो रही है। और इसके पीछे गवर्नमेंट को 2.1 ट्रिलियन का फंड राइज करना है, और ये फंड राइज करेंगे ये सब कंपनीज को बेच के। तो VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी और इसको गवर्नमेंट ने बनाया था फॉरेन टेलीकम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए, और इसके कॉल्स डाटा ट्रांसफ़र, इसलिए इसका नाम विदेश संचार निगम था। और इसको गवर्नमेंट ने टाटा को बेच दिया था 2008 में, और इसका उसके बाद ये एक कंट्रोल टाटा कंपनी बन गई टाटा कम्युनिकेशन, और उसका डिसइन्वेस्टमेंट उसी टाइम से हो चुका था दोस्तों। लेकिन अभी गवर्नमेंट का 26.12% स्टेक यहाँ पे है, तो वो स्टेक गवर्नमेंट यहाँ पे सेल करना चाहती है ऑफर पर सेल में, और इसके जरिए गवर्नमेंट 8000 से लेके 8400 करोड़ राइज करना चाहती है। और इसके अलावा जो Q3 रिजल्ट आए हैं, Q3 रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो Q3 रिजल्ट में थोड़ी गिरावट आई है, बट ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ख़राब नहीं है दोस्तों। लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसका गिरावट के पीछे का। तो आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर के कंपेयर में यहाँ पे 19.6% का प्रॉफिट में फॉल आया है, और रेवेन्यू में भी फॉल आया है 4,400 करोड़ से 4,223 करोड़ है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो लगभग रेवेन्यू अच्छा है, और प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसमें राकेश झुनझुनवाला है, इन्होंने अभी अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में 1.12% का स्टेक एक्वायर किया है टाटा कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, फ्यूचर में टाटा कम्युनिकेशन का परफॉर्मेंस और ये
प्राइवेटाइजेशन का सिचुएशन देख के ये शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट आने के चांसेस है, क्योंकि OFS इतना बड़ा OFS आएगा, लेकिन इस शेयर में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी तेजी है। और आप वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड बनी हुई है इसमें, और ये लगभग 200 रुपये के लो से ट्रैवल करके ये लगभग अपना 1168 रुपये का हाई बनाया है दोस्तों। तो ये कंपनी में काफ़ी अच्छा वैल्यू है, इसलिए शेयर में इतनी तेजी आई है दोस्तों। ये है 200 रुपये का लो और यहाँ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली आई है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और ये लेवल के आसपास आई थिंक 900 के आसपास यहाँ पे एक स्टेबल एक सपोर्ट दिख रहा है, वो भी वीकली चार्ट में। तो 900 के आसपास ये शेयर स्टेबल हो सकता है OFS के बाद, अगेन अप ट्रेंड चालू करने की संभावना यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही पूर्ण विराम देता हूँ दोस्तों। और ये गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटजी है और जो 2.1 ट्रिलियन का जो फंड राइज करना है, BPCL को प्राइवेटाइज करना, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हम दोबारा से अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मार्केट में बुल रन चल रहा है, सेंसेक्स 50,000 टच करने से आज 200 पॉइंट चूक गया है, तो आने वाले एक दो दिन में 50,000 सेंसेक्स टच करेगा। निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी भी नया हाई की तरफ है, ऑलरेडी नया हाई बना चुकी है और अगेन एक नया हाई बनाने की संभावना है। बैंक निफ्टी में एक तेज मूवमेंट आने की संभावना है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी फ्यूचर में करेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। और उसी बीच गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा OFS के थ्रू और प्राइवेटाइजेशन ड्राइव के थ्रू एक्वायर करना चाहती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।